स्टीफन हॉकिंग्स उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने आज दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया है। शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 21 साल की उम्र में ही उन्हें एलएस नामक बीमारी हो गई जिसने धीरे धीरे उन्हें दशकों तक विकलांग बना दिया। लेकिन फिर भी सर हॉकिंग्स ने अपने दिमाग की शक्ति से ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाया। साथ ही इस ब्रह्मांड को और बेहतर से समझने के लिए हमें कई सिद्धांत दिए और इस सदी का सबसे अनोखा वैज्ञानिक होने का खिताब अपने नाम कर लिया। वीडियो में आप इस महान वैज्ञानिक से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म और मृत्यु से एक अजीब संबंध जुड़ी हुई है। जिस दिन महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी उससे ठीक 300 साल बाद उसी तारीख को स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म हुआ था और ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन सर हॉकिंग्स की मृत्यु हुई। प्रोफेसर हॉकिंग्स, गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टाइन ये तीनों अपने अपने सदी के सबसे महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंग्स कहते थे कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए यह लगता है कि हमारी दुनिया से अलग दूसरी ग्रहों में भी जीवे हो सकती है और हम मनुष्य लगातार एलियन या अपनी जैसे अन्य बुद्धिजीवों की खोज करने के लिए अंतरिक्ष में हर तरफ रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं जो कि बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है। हमें एलियन सिविलाइजेशन के साथ संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस्ड और शक्तिशाली होंगे तो वह दोस्ती की वजह हमारे ग्रह को उनके फायदा के लिए इस्तेमाल करना जरूर पसंद करेंगे। नंबर 8, सर हॉकिंग्स साइंस पर कोई ऐसा बुक लिखना चाहते थे जिससे आम लोग को भी आसानी से ब्रह्मांड को समझ पाए और उनका ये सपना अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक बुक लिखने के बाद पूरा हुआ। इस बुक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। सारी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर में रही। अभी तक इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। यह बुक ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी जैसे विषयों से जुड़ी है। नंबर 7, एक इंटरव्यू में जब सर हॉकिंग से ये पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, हॉकिंग्स ने जवाब में कहा, मैं ही यहाँ 3 महत्वपूर्ण सलाह दूंगा। पहली, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखने को याद रखें, नीचे अपने पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, कभी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य मिलता है और काम के बिना जीवन खाली है। तीसरी, यदि किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 6, केवल 21 साल की उम्र में ही स्टीफन हॉकिंग्स को एक ALS नामक घातक बीमारी हो गया। जब डॉक्टर्स को पता चला कि उन्हें ये बीमारी है तब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि वह 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। दरअसल इस बीमारी में शरीर से मांसपेशियों का नियंत्रण छूटने लगता है, सारा शरीर अपंग हो जाता है और कुछ ही महीनों या साल में मृत्यु हो जाती है। सर हॉकिंग्स भी धीरे धीरे पूरी तरह अपंग हो गए थे लेकिन वह भी हार मानने वालों में से नहीं थे। अपने जीने की चाह और दृढ़ शक्ति के कारण वह 50 साल से भी ज़्यादा जिए। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग्स के पिता चाहते थे कि वह मेडिकल लाइंस में पढ़ाई करे लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट के प्रति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का पढ़ाई किया। 2010 में उन्होंने खुद कहा था कि 8 साल के होने तक वह पढ़ना भी सीख नहीं पाए थे और यूनिवर्सिटी जाने तक वह एक लेजी स्टूडेंट थे। लेकिन कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, स्पेस और यूनिवर्स के बारे में स्टीफन को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के कारण उनके स्कूली दिनों में उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाया जाता था। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग्स को स्पेस में सफ़र करने का बहुत मन था, इसीलिए 65 वर्ष की उम्र में उनका ये ख्वाहिश तब पूरा हुआ जब 2007 में साइंटिस्ट उन्हें शून्य ग्रेविटी के अनुभव कराने के लिए एक स्पेस शटल में ले गए और करीब 4 मिनट तक सर हॉकिंग्स वहां वेटलेस रहे। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग्स का व्हीलचेयर में लगा हुआ स्पीच सेंसिटाइजर मशीन ने उनके जीवन में अहम रोल निभाया क्योंकि जब सर हॉकिंग्स अपंग होने के साथ साथ
लिखने और बोलने का भी शक्ति खो बैठे, तब हॉकिंग्स इसी स्पीच सेंसिटाइजर मशीन के माध्यम से लोगों के साथ बात कर पाते थे। वह अपनी आंखों की मूवमेंट और गाल की मांसपेशियों के कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करके बात कर पाते थे। नंबर टू, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ स्टीफन बहुत से टीवी शोज जैसे द सिम्पसन्स, स्टार ट्रेक और द बिग बैंग थ्योरी में भी नजर आ चुके हैं। सर हॉकिंग्स इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद भी कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। नंबर वन, दोस्तों प्रोफेसर हॉकिंग्स के ये कुछ पंक्तियाँ आपको जरूर प्रेरित करेंगे। वह कहते हैं कि पिछले 50 सालों से मैं अपनी जल्दी मृत्यु हो जाने की आशंका में जी रहा हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने का भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। तो आखिर सर हॉकिंग्स ने हमें ये साबित कर दिया कि चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बस कोशिश और मेहनत का ही खेल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।